तो गाइस फाइनली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज रीजन क्या है, रिजल्ट कल की डेट में ही 6 बजे 7 बजे या 8 बजे तक आ जाना चाहिए था, बट रिजल्ट नाइट में 2 बजे के आसपास ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, इससे कि जो भी बच्चे जहां एग्जाम सेंटर था वहां उनको एक दिन और स्टे करना पड़ा है, बिकॉज उनको क्लियर नहीं था क्या हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हमको एसपीपीटी टेस्ट देने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई इशू की बात नहीं है, रिजल्ट नाइट में पब्लिश हो चुका है, अभी आप लोग चेक कर लीजिए क्या आपका नाम आया है या नहीं आया है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो एसपीपीटी टेस्ट के लिए या फिर नहीं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, देन यहां पर आप लोग देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट में लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में यहां पर आप लोगों को रिटन टेस्ट रिजल्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइन डिवीजन, सिंपली आप लोग जो भी रीजन का आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था उसको ओपन करना है। जैसे कि मैं टॉप पर नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन रिटन टेस्ट रिजल्ट पर क्लिक करता हूं, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इस प्रकार का आप लोगों का रिजल्ट ओपन होगा, लेकिन चीजों को थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दो। तो गाइस कुछ इस प्रकार ओपन होगा, यहां पर कुछ चीजों को समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने जिस रीजन में फॉर्म को फिल किया उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, देन यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है एंड रिटन टेस्ट रिजल्ट रिक्रूटमेंट 2022 एंड यहां पे उन्होंने क्लियर किया जो आप लोगों का एग्जाम 27 मार्च 2022 को यहां पे आप लोगों का जो भी सेंटर रहा होगा उसका नेम आप लोगों को मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे दिया गया है। तो यहां पे आप लोगों को पोस्ट कोड मिल जाता है, स्टेट मिल जाता है एंड यहां पे आप लोग देखोगे स्टेट में राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यहां पे इस प्रकार आप लोगों को एनेक्सचर मिल जाता है कि किस पोस्ट का कहां पर रिजल्ट पब्लिश किया गया है। जैसे राजस्थान इंजीनियर असिस्टेंट का यहां पे एनेक्सचर ए में दिखाया गया, पंजाब इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का एनेक्सचर बी में है, उत्तर प्रदेश इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का एनेक्सचर सी में है एंड यहां पे आप लोग देखोगे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको एडवाइस दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट टाइम एंड वेन्यू मेंशन किया गया, तो उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे गाइस मिल जाता है वेन्यू कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो कहां पर होना है। तो यहां पे आप लोग देखोगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन पोस्ट ऑफिस यहां पे पानीपत रिफाइनरी, तो यहां पे आप लोगों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आप लोगों को वेन्यू जो है दिया गया है, राइट। अब यहां पे देखो क्या क्लियर किया है और बाकी चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा एंड गाइस यहां पे समझिएगा, यहां पे उन्होंने क्लियर किया है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे कुछ सही रहते हैं तो आप लोगों को एसपीपीटी टेस्ट देने का मौका मिलेगा और एसपीपीटी टेस्ट जो होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, देन आप लोगों का अगेन रिटन टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे और वहां से आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाएगी। अब गाइस यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी, तो यहां पे ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि जहां पर आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट होना है उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी होना चाहिए। अब यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, आपने जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है लाइक टेक्निकल अटेंडेंट में अप्लाई किया है तो उसकी जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि आईटीआई की मार्कशीट आप लोगों के पास में होना चाहिए, बाकी यदि आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट आप लोगों के पास में, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ की तरह काम करेगा, अपनी आईडी वगैरह होना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहां पर क्लियर कर रहे हैं जैसे कि 10th क्लास, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला सेंट्रल वाला ओबीसी वाले नहीं लेके गए तो वो थोड़ा सा बार बार मेरे से कॉल करके पूछ रहे हैं क्या सर हम लोगों को टाइम देंगे या नहीं देंगे, डेफिनेटली आप लोगों को टाइम मिलना चाहिए, बाकी उन्होंने ये चीजें पहले से क्लियर करी थी तो आप लोगों को अपडेट वाला लेकर जाना चाहिए था, बट कोई इशू की बात नहीं, मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों को समय मिल जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनके पास में नहीं है। तो अब यहां पर यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को जो है लेकर जाना यहां पे होगा और 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेकर जाना है। तो ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, सारी चीजें दी गई हैं, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आप लोगों को बता दी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे दिया गया है, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन एसपीपीटी टेस्ट। तो आप लोग यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए हैं तो आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्लियर कर रहे हैं कि आफ्टर चेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न, यानी कि जैसे ही वो चेक करते हैं आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाएंगे, वहां पे कोई भी सबमिट नहीं करेगा। सेम डे में सब कुछ आप लोगों को वहां पे वही सारी चीजें यहां पे वो लोग क्लियर कर रहे हैं। अब देखो नीचे यहां पे आप लोग देखोगे तो यहां आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, आपका यहां पे पोस्ट कोड मिल जाता है, रोल नंबर मिल जाता है एंड यहां पर रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहां पे आप लोग देखोगे 28 यानी कि आज ही के दिन यहां पे आप लोगों का होना है। तो ये सारा आप लोग यहां पे देख सकते हो, बाकी जो इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को यहां पे बस क्या चेक करना है, यहां पे चेक करना है अपने नेम को कि भैया किस पोस्ट में किस कहां पे आप लोगों ने एग्जाम दिया है, वो चेक करके आप यहां पे चेक कर लो। और लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, लाइक लिंक जैसे ही आप खोलोगे ये पेज ओपन होगा, यहां पे सारा दिया गया है। तो आपने जिस भी रीजन में फॉर्म को फिल किया है उसको आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो आशा करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।